नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के 18 अप्रैल को मतदान होना है और इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर लोकसभा में। और बुलंदशहर लोकसभा के मुद्दे क्या है, यहाँ का मतदाता किस मुद्दे को लेकर के अपना आने वाला सांसद चुनेगा, यहाँ के मतदाताओं के मन में क्या है, नब्ज जो है जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ में आपको दिखाते हैं बुलंदशहर की जनता का मूड क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ड्राई क्लीन की दुकान पर, एक छोटे कारीगर हैं और इनसे बात करेंगे। तो बताइए आपका काम धंधा जो है, रोजगार जो है, वो कैसा चल रहा है? काम धंधा पहले से तो हल्का है हमारा। पहले से हल्का जी? वजह यही है, सरकार की वजह से सब लोग परेशान है काम धंधे की। पहले जो वादे करे थे वो पूरे नहीं हुए, तो इस वजह से सब लोग परेशान। काम पर क्या फर्क पड़ा है? तो दूसरों का काम कम मंद होगा तो हमारा भी कम होता है। अच्छा, आदि लोग जो लोग नेतागिरी में पहनती वो कम पहनने। आप नेताओं के कपड़े ड्राई क्लीन करते हैं या आम जनता के भी करते? सबके करती हैं जी, नेता भी और आम जनता भी। अच्छा, आप ये कह रहे कि उनके जेब में पैसा कम आएगा, जनता की जेब में पैसा कम आएगा तो हमारे पास भी कम आएगा, वो खर्चा भी फिर कम करेंगे। हाँ जी, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि काम धंधा जो है डाउन है जी। और बाकी माहौल आपको क्या लग रहा है, सब कैसे आपके इलाके में माहौल है? माहौल हमारे इलाके में तो यही है कि बीजेपी को नहीं चाहते हम। अच्छा। हाँ जी, छोटा कारीगर जो है वो बीजेपी राज में खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है जी वो। तो शहरों में भले ही आप आटे के पैकेट खरीदते हो, लेकिन गांव देहात में अभी भी जनता गेहूं पिसवाने के लिए आटे चक्की पे आती है और यहीं से जो है आटा लेते हैं। हमारे साथ हम इस वक्त मौजूद है एक आटा चक्की पर, तो बताइए आटा पीस रहे क्या भाव है आटा अभी? आटा 2 रुपए किलो पीसते हैं हम। 2 रुपए किलो पीसते हैं जी। और मेरे को अगर आटा लेना हो, मैं गेहूं नहीं लेके आया आपके पास, तो कितना रुपए किलो आटा देंगे आप? 22 रुपए किलो। 22 रुपए किलो जी। और बात करें 5 साल पहले क्या भाव था आटे का? 5 साल पहले तो बहुत कम था, लेकिन याद नहीं है, शायद 5 रुपए 1 रुपए किलो था पिसाई 1 रुपए किलो। बेचने का था शायद 16-17 रुपए किलो। आपकी दुकान कितने साल से है? तो काफ़ी टाइम से, 20 साल हो गए। पहले पापा चलाते थे, अब मैं चला। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पहले 16 से अब 22 रुपए किलो आटा हो गया है। तो चलिए, कुछ लोग हैं मेरे साथ आटा तक की इस दुकान पर और इनसे बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है, आपके क्षेत्र में चुनाव है, 18 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या माहौल लग रहा है? मेरे तो भाई गठबंधन का लग रहा मामला। क्यों बस लग रहा? बीजेपी क्यों नहीं पता नहीं, बीजेपी का ही है हिसाब। हाँ जी, बीजेपी का ही है हिसाब। बुलंदशहर में बीजेपी का ही है भाई साहब, तो कह रहे हैं गठबंधन का। ये तो बाहर रहता है, दिल्ली रहता है। अच्छा। हाँ, मैं ज्यादा दिल्ली रहता हूँ, पता भी ना। नौकरी करते हैं? हाँ। क्या चीज़ की? एसी में हूँ, एयर कंडीशन। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि गठबंधन है, आपको लग रहा है बीजेपी है। हाँ। बीजेपी से आपके सांसद कौन है जानते हैं क्या? देखा के सांसद जी को तो कैसा काम कराया हुआ उन्होंने आपके इधर? भाई साहब आया ही ना 5 साल में, हमारे इधर कोई नहीं आया। काम कराया कि नहीं कराया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं है। कुछ भी काम नहीं कराया? 50-50 है यहाँ पे। 5 साल में मैंने तो देखा ना, बोला राम। आपने नहीं देखा है? बोला सिंह नाम है ना, बोला सिंह, मैंने तो देखा ना 5 साल में। आपने नहीं देखा है? तो आपको कुछ क्षेत्र में 5 साल में कुछ बदलाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपके इधर? कुछ भी ना भाई साहब, ऐसी फैला रहे थी आज। हाँ। ये हाईवे तो बन गया। अच्छा, बस बाकी तो और कुछ ऐसा है ना, इनका अभी थोड़ा सा बाकी है सफाई वगैरह ना, थोड़ी सफाई भाई है लेकिन इतनी ना। हाँ। आप बताइए कि आपके इधर गाँव में क्या बदलाव देख रहे हैं पिछले 5 साल में? गाँव में तो कोई बदलाव है नहीं ऐसा, हमारे में गाँव में कोई बदलाव नहीं। आपके इधर गांव में बदलाव नहीं देख रहे हैं? आप बताइए आटे वाले भैया जी, आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? काई का इलेक्शन? हाँ, अभी कुछ नहीं कह सकते। हमारे गांव में तो वोटिंग डाले 18 तारीख को वोटिंग होनी इधर। हमारे गांव में तो ऐसे ही है, मतलब जो जिसको चाहे दे सकता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर भी चर्चा तो कुछ सुनते होंगे ना, लोग आते होंगे, बातचीत होती होंगी? नहीं, कोई चर्चा नहीं कह सकते है, कोई चर्चा। लोग चुपचाप है, बोल नहीं रहे? चुपचाप है, चुपचाप से वोट डलेगा इस बार जी। आपको क्या लग रहा है, गठबंधन है, बीजेपी है, कांग्रेस है? कुछ नहीं कह सकता भाई मैं इस बारे में। दुकानदार है इसलिए बोलने से बच रहे हैं? नहीं नहीं, वो बात लोग क्या बात है पता ही नहीं रखते, इस बारे में बात ही नहीं करते कोई। काम से ही फुर्सत नहीं है? काम से ही फुर्सत ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? मूलचंद सिंह। मूलचंद सिंह जी, तो अभी कुछ काम करके आए हैं या ड्यूटी पे कहीं जा रहे हैं? मजदूरी करके आए। मजदूरी करके आए? किस चीज़ की मजदूरी करते हैं? यही चिनाई।
सिलाई का? चिनाई जी। अच्छा, जो कारीगर हैं आप, घर बनाते हैं, कितना रुपए दिहाड़ी मिलती है? 500 रुपए। तो बताइए, आपको जो है मकान जो है वो कच्चा है पक्का आपका? आपका खुद का मधु मकान है? खुद का कच्चा है अभी। तो दूसरों का मकान बनाते हैं, आपका कच्चा है? हाँ, हमारा कच्चा है अभी। तो मोदी सरकार जो मकान दे रही गरीबों को, आपको नहीं मिले क्या? कुछ नहीं है? यहाँ पे कुछ नहीं है। जो है भी वो मिल नहीं पा रहा है। अच्छा। उसको और लोग खा रहे हैं। शौचालय बने हैं कि नहीं बने हैं? शौचालय भी आधे बने हैं, आधे नहीं बने। और जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है, वो मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला है। नहीं मिला है। आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? हमको तो जी मायावती गठबंधन माहौल नजर आ रहा है। अच्छा, गठबंधन मायावती का जी? बीजेपी नहीं? बीजेपी लोग नहीं? बीजेपी मोदी नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आपके कुछ नहीं। जो वादे किए सारे झूठे हो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? औषध नाम है। आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? किस बारे में? चुनाव आ रहे हैं 18 तारीख को, वोटिंग, आपके वोटिंग डालने जाएंगे? नहीं जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, आप तो इसलिए रुके हुए हैं। अच्छा, रुके हुए हैं। क्या काम करते हैं आप? सऊदी अरब रहते हैं। तो आए, कब आए इंडिया? सऊदी अरब से आए हैं वोट डालने के लिए। कब आए हैं? अभी 8-10 दिन हो गए। स्पेशल वोट डालने के लिए आए? वोट डालने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतदान करना चाहिए भाई। आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र में आप रहते नहीं हैं फिर भी देखते होंगे या फिर आपके घरवाले बताते होंगे, आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं? जैसा 2 साल पहले गए थे वैसा ही आगे देखते हैं, कुछ भी विकास नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। हाँ। और ऐसा कोई खास नहीं होता। जो हमारे गांव ग्राम प्रधान है वो तो करवाते हैं काम, लेकिन जो केंद्र जैसे सरकार है उसकी तरफ से तो कोई खास ऐसा है। आपको नहीं लग रहा है वो कि वैसे सरकार कुछ केंद्र? बिल्कुल। लेकिन तमाम जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं मोदी सरकार गिनवाती की, गरीबों को जो है मकान दिए, शौचालय बनवाए, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले, आपके गांव में मिले हैं कि नहीं मिले? हमें तो नहीं मिला किसी को। आप तो खैर वैसे भी सऊदी अरब रहते हैं, आपको तो नहीं मिला होगा, लेकिन जो और बाकी लोग हैं उनको मिले? उनको मिले हैं कि नहीं मिले? आस पड़ोस में किसी को नहीं मिले हैं? नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस में नहीं मिले हैं? क्या नाम है आपका? रोहित राणा नाम है। क्या करते हैं? मैं रेलवे में हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंजीनियर। आपको क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं? क्षेत्र में मुद्दे ये हैं जी, क्या नाम है, मोदी निकलेगा। मोदी निकलेगा? हाँ जी, मोदी। मतलब क्या मोदी क्या निकलेगा? मोदी ये है क्या जी, क्या नाम है, पब्लिक ये देखना चाहती है कि आपके 5 साल में यानी कि जो काम है बिल्कुल ठीक कर देगा उनको। अच्छा, मगर ऐसा है सरकारी कर्मचारी नाराज हैं क्या जी, ये 2004 में पेंशन बंद कर दी थी, ये कर दी थी, मगर मोदी निकलेगा, लहर मोदी की हमारे यहाँ। आप कह रहे मोदी जी जीत रहे हैं? हाँ जी, मोदी जी जीत रहे हैं। अच्छा, लहर हमें तो मोदी जी की दिखाई दे रही है। बुलंदशहर से सांसद कौन है? सांसद भोला सिंह है। जानते हैं जी? हाँ। तो जाते हैं कभी, कुछ काम वाम हो जाता है कि नहीं हो जाता है जी? काम फाम की तो खैर ऐसे गए नहीं है, मगर जो क्या नाम है वैसे हवा तो यही है कि जी मोदी निकलेगा, क्योंकि गठबंधन करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा ना पब्लिक पे, कह जी क्या नाम है, उसने उसका गठबंधन कर दिया, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस चक्कर में मोदी जी निकलेंगे, मुझे तो ये लगता है हमारे क्षेत्र। जी हाँ, आपको ये लगता है? क्या नाम है आपका? सत्तो। सत्तो। तो बस के इंतजार में खड़े हैं यहाँ पे, बस के इंतजार हो रहा है? हाँ। भैया समझ जाओ। अच्छा, देखिए टेम्पो मिला, टेम्पो में ही भाग गए हैं। बस यहाँ आती है कि नहीं आती है? बस बस आती है कि नहीं? बस ना आती है, बस ना टेम्पो चले चौराहे तक। मोदी हारना चाहिए, मोदी हारना चाहिए। क्यों, वजह क्या है जी? वजह क्या है, इसने कुछ नहीं करवाया मोदी ने। वो भाई साहब तो कह रहे हैं मोदी निकलेगा आपके क्षेत्र में, अभी नहीं निकलेगा मोदी, नहीं निकलेगा है? नहीं निकलेगा मोदी, मोदी नहीं निकलेगा। बस नहीं आती है वो बहन जी, अभी फटाक से उसमें चली गई है वो टेम्पो में। गाड़ी तो चली रही है, तो हर जगह सुविधा है। तो बस चल रही है कि नहीं चल रही है? टेम्पो है, टेम्पो टेम्पो ही चल रहे हैं। बस नहीं है? बस भी है। बस है, कम है बस क्या? कौन सी रोडवेज या प्राइवेट बताइए, सरकारी बसें हैं कि नहीं है? सरकारी बस है, कम है, कम है। हाँ। है तो आईपी पर रोकते नहीं है, आईपी पर जब का स्टाफ है। तो आपके इधर इस गांव का स्टॉप किधर है? आईपी पर है। किधर, कितनी दूर है, पीछे है क्या? ये रहा आधा किलोमीटर दूर है। अच्छा, अगर मेरे को बस पकड़नी तो आधा किलोमीटर जाना होगा पहले? नहीं, टेम्पू चल रहे हैं लोकल के लिए तो। अच्छा, लेकिन जो दिल्ली से सवारी आएगी उसे अगर दरियापुर उतरना है या चंदेर उतरना तो स्टाफ है, स्टाफ रोकते नहीं है, पीछे आधा किलोमीटर दूर है। तो इस वक्त हम एक स्थानीय स्वीट शॉप पर हैं और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ में हैं और चुनावी चर्चा को इनके साथ मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? इसरार। तो आपकी दुकान है ये जी? कैसा काम चल रहा है? सही चल रहा है, बढ़िया ठीक चल रहा है। कब से ये दुकान? 4-5 साल से। 4-5 साल से। तो त्योहारों पर जो है अनुमूलन ज्यादा काम रहता होगा क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं वो त्योहारों पर ज्यादा मिठाई खरीदते हैं।
जी। तो चलिए ये बताइए, 18 तारीख को वोटिंग है, क्या माहौल नज़र आ रहा है आपके इधर? माहौल सही चल रहा। किसके पक्ष में रुझान है? गठबंधन का माहौल चल रहा सभी यहाँ। तो बीजेपी का क्यों नहीं? ये तो लोग जाने क्या क्यों नहीं, बीजेपी कोई अच्छा काम करेगा उसको वोट जाएंगे। अच्छा, आप बताइए आपको क्या माहौल नज़र आ रहा है? गठबंधन का है और बीजेपी की जो नीति है ना वो किसानों के खिलाफ है। अच्छा, डाई पे पैसे बढ़े हुए, यूरिया पे 5 किलो वेट कम कर दिया, कह दिया है पब्लिक से ये कि हमने घटा दिए पैसे। डीजल पे पैसे बढ़े हुए, किसानों की जो लागत खर्चा है वो ज़्यादा है, आमदनी कम है। चलिए ये तो आप जो मुद्दे बता रहे हैं ये कुछ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, आपके लोकल गांव देहात में क्या मुद्दे हैं? ना हमारे मुद्दे किसान हैं, किसान से जुड़े हुए, अपने मुद्दे बता रहे हैं हम। तो मोदी जी जो वादा कर रहे हैं कि किसानों को 2,000 रुपए जो है उसका आया कि नहीं आया पैसा? नहीं, ना पैसा भी ना आया, 17 रुपए रोज के हमें चाहिए बिना, हम बताओ हमने भरा बिना फार्म, 17 रुपए रोज के पड़े हैं, हमने ना भरा फार्म। आप खेती करते हैं? हाँ खेती करें। अच्छा, खेती किस चीज़ की खेती आपके इधर? गेहूं की है। हाँ। इस वक्त में उड़द भी है, मूंग भी है, चावल की भी खेती होती है। अच्छा, फसलों का भाव जो है वो पहले से बेहतर मिल रहा है, कैसा मिल रहा है? तो ये नीति पहले थी 100 रुपए 110 रुपए बढ़ के मिलता था, वही नीति अब बढ़ गई आगे को, तो पॉलिसी वही है जो चलती है पहले से ही। आप बताइए बाबा, आपको 18 तारीख को आपके इधर वोटिंग है, क्या चर्चाएं हो रही है गांव में? गांव में तो भाई कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। हाँ। अच्छा जी, अब अभी ने तो मन बनाना है, एक आवाज नहीं अभी है। अभी ना, अभी सोचेंगे 18 तारीख को। हाँ। लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो अब तो हम घंटों में वक्त बचा है, सोचने में हो जाएगा एकदम काम, एकदम से काम हो जाएगा। हाँ। क्या लग रहा है किसके पक्ष में रहेगा इस बार माहौल? गठबंधन के चक्कर में, पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? आप सब लोग जो है कह रहे हैं कि गठबंधन गठबंधन है इस बार। अरे जो हमें फायदा करेगा उससे उसको देंगे हम तो वोट। बीजेपी, हाँ क्या कह रहे हैं? बीजेपी गद्दार है, क्या कह रहे हैं? बताइए बताइए, युवा है बताइए, ये तभी जबान में जो युवा कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। जहाँ बीजेपी की अच्छाई सी लगी वहीं को कर दिया तुमने, जहाँ बुराई लगती है वहीं से हटा लेते हो। अरे मेरे भाई, हम तो बात को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर बात क्या है वो निकाल के बाहर आइए ना। रोजगार की बात करती है युवाओं के लिए, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाने की बात करती है, सिर्फ उसकी बात कर दी है कि नफरतों की बात कर दी है, इसलिए बीजेपी हमें बिल्कुल पसंद नहीं। गठबंधन किसका ही जो रहे हैं, गठबंधन ही रहे। आप युवा की ये सोच है जी, ये क्या वजह है कि युवा की ये सोच हो गई है? ये वजह ये है रोजगार की वजह, और कुछ नहीं है, रोजगार की बात करता ही नहीं है। तो वाकई गांव देहात में जो है रोजगार कम हो गया है क्या? हाँ कम ही है, जी बहुत कम है रोजगार है। क्या काम करते हैं? और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, बहुत कम आती है लाइट, बिजली नहीं है। हर बार वादा करते हैं, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं, हर बार बिजली का वादा करते हैं लेकिन आती नहीं है, इलेक्शन के टाइम पे आ रही है, उसके बाद आती नहीं है। ये आप क्या करते हैं? बहुत अच्छा गांव है, ये मिठाई की दुकान नहीं है, दुकान ही मिठाई की दुकान पे आप भी हैं। तो आप बताइए आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? 18 तारीख को चुनाव है आपके इधर, माहौल भाई साहब, माहौल तो बहुत बढ़िया है, यहाँ गठबंधन का ही माहौल है सारा, गठबंधन का। हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बुलंदशहर के मतदाताओं की राय आपने जानी, और इसी तरह से अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की राय क्या है, उनके मतदाताओं के मुद्दे क्या हैं, लगातार इसी तरह आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, जमीनी स्तर पर हालात क्या है, लोग क्या चाहते हैं, और इस बार आने वाले चुनाव में लोग किस मुद्दे पर और किस पार्टी को वोट करने वाले हैं। इसी तरह की तमाम खबरें लगातार देखने के लिए आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी बनी हुई है उस घंटी को दबा दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।